जी तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज मैं निकला हूँ मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। बेसिकली मैं जा रहा हूँ कलरवा तालाब, वहाँ मुझे कुछ शॉपिंग करने हैं, करूँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा। एक टी शर्ट लेना है बेसिकली, और टी शर्ट में सोच रहा हूँ जो ड्रॉप शोल्डर का आजकल आ रहे हैं ना, वो ट्राई करने के लिए। तो उसको अगर लेते हैं तो आप लोग को वो दिखाएंगे, अदरवाइज़ कुछ देखेंगे, फूड वूड भी मिलेगा अच्छा, उसको ट्राई करेंगे, आप लोग को भी इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत पता है कितने बजे, शाम को मतलब 4:30 बजे कर रहा हूँ, और वो भी कहाँ पता है, ये देख लो, ये मैं एक ओवर ब्रिज है इसके बाजू में जस्ट ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। बिकॉज रीज़न ये था कि बाहर इतना भयंकर मतलब धूप हुआ है ना, मतलब हद से ज़्यादा, अब छांव यही मिला, ब्लॉग की शुरुआत यहीं कर दी। अब निकलते हैं फटाफट कलरवा तालाब मार्केट की तरफ। और हाँ, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था बीच में कि भैया मोटो ब्लॉग का भी ब्लॉग डालो, तो लो भैया इस ब्लॉग में आप लोगों को मोटो ब्लॉग का भी मज़ा आने वाला है। चलो, सिग्नल अपना ग्रीन हो चुका, इतने धूप में पता है गोप्रो को बाहर यूज करना मतलब वो भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गर्म हो जाता है, फिर गर्म होगा गोप्रो तो इसका बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन हो जाता है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन फर्क पड़ता ज़रूर है, बैटरी बहुत जल्दी खपत होने लगती है, कई बार बैटरी ख़त्म होता भी नहीं है और गर्मी के मारे कैमरा बंद हो जाएगा बैटरी लो दिखा के, और फिर चालू करोगे गोप्रो को तो पता है दिखाया कि नहीं बैटरी अभी बचा हुआ है आपका, ये मैंने नोटिस किया है। ज़्यादा देर से धूप में रखने से ना इसका बैटरी का समस्या आ जाता है। NSUI छत्तीसगढ़, इन लोगों के द्वारा ये रैली निकाला गया है, किस मैटर में है उतना तो आइडिया नहीं है, खैर अपने को क्या है, अपन चलते हैं यहाँ से। और ये जो आप तालाब देख रहे हो ना, यही वाला है कलरवा तालाब। दिन में आप लोगों को ये मतलब सुनापन दिख रहा होगा, एक आध दुकान आपको दिखेगा, शाम को आओगे 6:30 के बाद पूरा हुजूम लग जाता है, पूरा भीड़ भाड़ एरिया हो जाता है। अभी तो धूप के नाम से कोई बाहर भी नहीं निकल रहा होगा ना। तो ये जो अपना मार्केट देख रहे हो, ये अपना कलरवा तालाब का मार्केट, शाम को इधर भी पूरा रश रहता है, अभी तो यहाँ भी लगभग रोड आपको खाली ही नज़र आ रहा है, शाम को लगभग अच्छे मात्रा में आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है। और ये सभी कपड़े उपड़े का दुकान है, बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं जूडियो और एक और जो अपना कोलकाता बाज़ार ऐसी कुछ ओपन हुआ है, पहले वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद इन सभी दुकानों में एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ बढ़िया लगेगा मुझे वहीं से मैं ले लूँगा। तो ये नया ओपन हुआ है रायपुर में बाज़ार कोलकाता, यहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे। और जस्ट इसके बाजू में देखते हो आगे तो यहाँ जूडियो का भी स्टोर है, तो मैं पहले जूडियो में चले जाता हूँ, ये जो स्टोर देख रहे हो ना इसमें पहले एक्सप्लोर करके आते हैं। वैसे यहाँ वीडियो तो अलाउड नहीं होगा, तो मैं कैमरे को बंद कर दे रहा हूँ, बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों को आके बता दूँगा। फ़िलहाल अभी पार्किंग करते हैं और निकलते हैं स्टोर में। तो जूडियो का जो ये वाला टी शर्ट है ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना सिर्फ 199 है, और कलर भी मतलब अच्छे खासे कलर में अवेलेबल है, 3 कलर आपका यहाँ हो गया, 1, 2, 3, और नीचे देख सकते हो कुल मिला के मतलब 7-8 कलर में अवेलेबल। तो ये वाला जो टी शर्ट है 199 का है, मतलब ठीक लग रहा है यार, फैब्रिक में देखोगे ना तो बढ़िया लग रहा है। एंड ये वाला जो शर्ट है ना 599 का है, बट फील तो वैसे इसमें अच्छा आ रहा है, एकदम मतलब फ्री फील हो रहा है। अब दिक्कत ये है कि इसका जो साइज है ना, मेरे साइज में फिट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, दिक्कत यही है। तो ये गाइस देख लो, अभी मैं गया था यहीं बाजार कोलकाता में, और यहाँ पता है मैं जा के अंदर ट्राई किया तो मतलब सब कुछ लगभग मेरे को सही लगा, जो टी शर्ट मेरे को चाहिए था ना वही बस मुझे नहीं मिला, मुझे चाहिए था ड्रॉप शोल्डर, वो जो कि यहाँ अवेलेबल था नहीं। एक दूसरा शर्ट ट्राई किया था लेकिन वो मतलब मज़ा नहीं आया, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, जो बाजार कोलकाता है ना, इसका जो प्राइस है और जो कपड़े की क्वालिटी है, मेरे को मतलब जूडियो से ज़्यादा ठीक ठाक तो इसी का लगा। तो हाँ जी, बाजार कोलकाता और जूडियो का जो स्टोर था विजिट करने के बाद अपने लिए वहाँ नहीं मिला ड्रॉप शोल्डर का टी शर्ट, तो अब निकले हैं किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं। तो यहाँ कुछ ड्रॉप शोल्डर का जो टी शर्ट है ना, कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसी टाइप का चाहिए था, देखते हैं अगर पसंद आ जाता है
तो आप लोग को बताते हैं। तो ये गाइस अपन अभी ट्राई कर रहे हैं, ये भी अपना ड्रॉप शोल्डर है ना। तो ड्रॉप शोल्डर में गाइस बता दूं आप लोगों को, दो तीन तो वहाँ सामने कलर पड़ा हुआ है और एक मैंने ये भी लिया है ट्राई करने के लिए। तो तीन चार ट्राई कर लिया हूँ, ये जितना शर्ट देख रहे हो ना सभी ट्राई किया हूँ। बाकी इसको ट्राई करते हैं फिर बताता हूँ ये कैसा लगता है। और इसके साथ स्पेशली पता है क्या है, जब आप ड्रॉप शोल्डर पहनते हो ना तो इस हिसाब से आपका जीन्स भी मतलब अलग होना चाहिए। तो जीन्स के लिए मैं ये लिया हूँ भाई साहब। जो लुक है ना, लुक मतलब अब खिल के आ रहे हैं, क्योंकि जो नीचे का जीन्स है ना उसको मैंने बैगी जीन्स कुछ होता है उसको ट्राई किया हुआ है और अब मतलब लुक काफ़ी प्यारा लगा। तो फाइनली गाइस अपन इसको परचेस किए हैं, ये अपना 800 का है ना। तो 800 मेरे ख्याल से मतलब सही लगा, बाकी आप लोग बता सकते हो 800 के हिसाब से कैसा नहीं है। बाकी कलेक्शन यहाँ आप लोगों को बताऊँ तो बहुत बढ़िया है, आप लोग चाहो तो यहाँ के परचेस कर सकते हो। ये सब शॉपिंग करते करते मालूम ही नहीं चला कि शाम कब हो गया। हाँ जी, तो शॉपिंग अपना हो गया। शॉपिंग क्या मतलब, एक सिंपल सा टी शर्ट लेना था जो कि ड्रॉप शोल्डर मेरे को अच्छा लगा था, वो मैंने ले लिया। बाकी जीन्स भी लेने का मन था मेरे को, कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था इसलिए नहीं लिया ना, क्योंकि जीन्स का जो प्राइस था मेरे को थोड़ा सा हाई लगा यार। टी शर्ट मुझे पसंद आ गया इसलिए मैं ले लिया। वैसे टी शर्ट का भी प्राइस 800 पे किया तो मतलब लिटिल बिट कॉस्टली ही लगा, कोई ज़्यादा सस्ता मुझे लगा नहीं। बट ठीक है, कपड़ा उस लायक है, चल जाएगा बढ़िया, तो नुकसान तो नहीं है। बाकी देखूंगा जीन्स, कहीं और घूमते तो रहता हूँ, कहीं सस्ता मिले तो वहाँ से ले लेंगे मॉल वॉल से, अदरवाइज उसको ले लेंगे क्योंकि वो मेरे को अच्छा तो लग रहा था। बाकी आप लोग बोलते हो ना कि मोटो ब्लॉग बना के दिखाओ, तो लो भाई आज का ब्लॉग मोटो ब्लॉग टाइप का ही हो गया। और यही देखो नाइट का सीन रायपुर शहर का, क्योंकि अब वीडियो को मैं एंड ही करूँगा, तब तक आप लोग थोड़ा सा झलक देख लो। वैसे आज अभी बता दूँ लाइटिंग जो है ना मतलब आधा नहीं जल रहा है, बिकॉज अभी अंदर चल रहा था तो लाइट, इस वजह से जो स्ट्रीट लाइट होती है ना वो कुछ कुछ बंद हो चुका है। आई थिंक आधा से ज़्यादा लाइटिंग है तो बंद हो चुकी है, वरना यहाँ पूरा रोशनी रहता है। तो चलिए अब ज़्यादा वीडियो का लंबा करने से कोई मतलब है नहीं, आज का शॉपिंग का ब्लॉग अपना हो गया छोटा सा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा जो ड्रेस मैं ट्राई किया था अच्छा लगा था, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो उसको परचेस कर लूँगा। बाकी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस। और हाँ, इसके बाद जो व्लॉग आएगा ना वो सब फूड का ही आएगा, राइट? ये बस बीच में ऐसे ट्राई मार दिया था, चलो बाय।